तक ने टॉप बैंड पे कैप्शन डाला, रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है कि कैसे रिपब्लिक टीवी ने भारत के साथ धोखा किया है। रिपब्लिक टीवी पर भारत के साथ धोखा करने का ये अपराध और ये आरोप बहुत दूर तक जाता है। आज सन्नाटा दिखाइए जरा, जहां से सबसे ज्यादा शोर निकलता है। हर किसी पर उंगली उठाने की आदत है बेबुनियाद तरीके से। खबरों के फर्जी वाड़े को फैलाते फैलाते आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है। रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है। तो मैं आज तक वालों को पूछना चाहता हूं, तीन सवाल है मेरे आज तक वालों को। पहला सवाल यह है, क्या आपने परमबीर को पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 24 घंटे के अंदर आज तक को क्लीन चिट कैसे दे दी और रिपब्लिक पर केस उल्टा करके कैसे बनाया? आज तक वालों को कहना चाहिए था परमबीर जी गलती हो गई, एफआईआर में हमारा नाम है। तीसरी बात, आज कपिल सिब्बल ने कह दिया कि 8 तारीख को तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई थी इन्वेस्टिगेशन की, तो आज तक वालों अभी कहां भाग रहे हो आप? जैसे हिंदी में कहते हैं ना, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आज तक वालों ने क्या मुझे कहा टीआरपी चोर। अगर मुझे टीआरपी चोर कहा तो आज जो बात हाई कोर्ट में आ गई उस पर वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? कल बार्क की रिपोर्ट निकल गई, ईमेल आ गई जिसमें कहा कि रिपब्लिक का नाम नहीं है, क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं रिपोर्टिंग करे? अपने दर्शकों को क्यों नहीं बता रहे? मगर उस बात को भी छोड़िए, आज हर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। पत्रकारिता का भी कोई प्रक्रिया होता है डीके राय जी। जब मैंने केस किया, कोई भी केस मैंने किया तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करके मैं रिपोर्टिंग करता, ये भी सोचा जाए अवनिजेश जी, ये क्यों हुआ? क्या हमसे गलती होगी अवनिजेश जी कि हम नंबर वन बन गए हिंदी में? दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, क्या ये चल रहा है? नहीं नहीं, इस पर भी सोच की जरूरत है कि मीडिया में क्या हो रहा है, मीडिया वालों ने ऐसा क्यों किया। अर्नब ने आगे कहा, इस मुद्दे पर अब पूरे मीडिया में बात होने चाहिए। 10-11 दिनों में मीडिया ने जो हमारे खिलाफ कहा, आज हम उन सब पर भारी पड़ गए हैं। सवाल पूछने का समय अब हमारा है, हम सवाल पूछेंगे। अब मेनस्ट्रीम मीडिया का हाल ऐसा हो गया कि आपस में भिड़ने लगे और आज तक वर्सेस रिपब्लिक भारत की लड़ाई अब दर्शकों के सामने भी आ चुकी है। टीआरपी घोटाले में तो अर्नब को महाराष्ट्र सरकार ने क्लीन चिट दे दी, पर अर्नब के नाम पर बाकी गोदी मीडिया वालों ने जो नाम और टीआरपी कमाई उसका क्या? खैर, मेनस्ट्रीम मीडिया में टीआरपी का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें, इस टीआरपी स्कैम के चलते 12 हफ्ते के लिए टीआरपी को बैन कर दिया गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? अर्नब गोस्वामी के इस तरह से आज तक पर हल्ला बोल पर आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट कर जरूर लिखें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। देश नीति आपके लिए लाता रहेगा ऐसी और भी वीडियोस, तो आप भी देश नीति के साथ बने रहे। देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।